हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन हियर इन विद्या भारती यूट्यूब चैनल। आई एम मुकेश दत्त शर्मा फ्रॉम सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी मुजफ्फरनगर। आई एम हियर एंड वी आर गोइंग टू रीड अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेरी इम्प्रेसिव पोयम। द नेम ऑफ द पोयम इज माई मदर एट 66। इट इज composed by Kamala Das, a very prominent poetess of India. She was born in Malabar, Kerala. Malabar is a coastal line of India opposite to the Coromandel, so she has a great impression upon her because of the natural beauty. She captured human relationship in a lyrical idioms. She is very much concerned about the aging people. In this poem, she shows her relationship with her mother, who is now 66 years old, and she is very much about her. I would like give some two or three lines description about the writer, poetess rather than. Her pen name is Madhavi Kutty. She wrote English and Malayalam, in English and Malayalam, under the name of Madhavi Kutty. Some of her works in English include novel Alphabets of Lust, 1977 एक नॉवेल लिखा था उन्होंने, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हेरल्ड एंड द अदर स्टोरीज इन 1992, इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री। सो स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू से दैट कि कमला दास के ऊपर जो इंसानी संबंध हैं, अर्थात मानवीय जो संवेदनाएं हैं, उनका बहुत गहन प्रभाव है। एंड शी इज़ अनअवेयर, और वो बाहरी प्रभाव से बिल्कुल बेखबर हैं, और जो ओरिजिनलिटी है उसकी चीज़ों की, वो उनके साहित्य में, उनकी लिटरेचर में दिख पड़ती है। आई वुड लाइक अबाउट द पोएम। द नेम ऑफ द पोएम इज़ माई मदर 66। इन दिस पोएम, दिस इज़ अ वेरी टचिंग पोएम। ये एक बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाली पोएम है। और इन दिस पोएम शी डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ लव एंड अटैचमेंट टूवर्ड्स हर एजिंग मदर। अपनी बूढ़ी होती गई माता के प्रति उसमें उनका जो संवेदना है और उनका जो अटैचमेंट है वो दिख पड़ता है। अर्थात शी इज़ वेरी मच concerned about her aging mother. She is very sympathetic to her. Once the poet went to visit her mother. She was on her way back to the airport and returned to Cochin. इस पोएम में आप देखेंगे, पढ़ेंगे कि जो राइटर पोएटस है कमला दास, वो अपनी मदर के साथ कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं, एंड दे आर इन अ कार। शी लुक्ड एट हर मदर हु वॉज सीटेड बिसाइड हर। हर मदर हैज डोज्ड ऑफ टू स्लीप एंड हर एजिंग फेस वॉज स्मोकी कलर लाइक एश। दे आर ड्राइविंग इन अ कार, वे कार में जा रहे हैं। द पोएटेस मदर बिसाइड हर, पोइट की जो मदर है वो उनके बराबर में है। जब और वो डोज ऑफ, वो लाइट स्लीप में है, अर्थात हल्की सी ऊँग रही हैं, तभी जो पोएटेस है उनकी निगाह अपनी मदर पर जाती है। द पोएटेस नोटिस्ड दैट हर माउथ वाज ओपन। यहाँ पर हर मदर के लिए बोला है, पोएटेस ये नोटिस करती हैं कि उनकी जो मदर है उनका माउथ ओपन है, अर्थात वो मुंह खोलकर सांस ले रही हैं।
तो लेखिका ने, पोएटस ने, कवित्री ने ये देखा अपनी मदर के मारे, देखा उनको. शी फेल्ट पेन एंड सिंपैथी फॉर हर. शी फेल्ट पेन, उन्हें बहुत कष्ट हुआ उनकी इस हालत को देखकर. एंड शी रियलाइज्ड दैट रियली हर मदर इज एज ओल्ड एज शी सीम्स, कि उनकी माताजी उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी कि वो दिखती हैं. जब वो उनको नोटिस करती हैं दैट हर माउथ इज़ ओपन, उनका मुंह खुला हुआ है. एंड शी डॉज्ड, और वो ऊँग रही थी. इन ऑर्डर टू कम आउट द ग्लूम द पोएट शिफ्टेड हर ग्लांस लुकड आउट ऑफ द कार्स विंडो. इस ग्लूम, इस दयनीय या इस दुखी करने वाले दृश्य से बाहर निकलने के लिए द पोएटस लेखी कवित्री बाहर देखती हैं कार की विंडो से. शी नोटिसेस दैट द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं मेरिली. दे आर स्प्लिंग फ्रॉम देयर हाउसेज, अपने घरों से झुंड में आ रहे हैं. दे सिम्बोलाइज्ड इनर्जी लाइफ एंड हैप्पीनेस. हियर द पोएटस कंपेयर दैम टू द सिम्बल ऑफ इनर्जी लाइफ एंड हैप्पीनेस. वे जो लड़के या बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जीवंतता का प्रतीक हैं. इधर जो मदर हैं वो ग्रोइंग ओल्ड, वो बूढ़ी होती चली जा रही हैं. सो जो पोएटस है वो फील करती हैं दुख अपनी मदर के बारे में, लेकिन इसी बात से बाहर निकलने के लिए वो बाहर देखती हैं. एज दे रीच द एयरपोर्ट, जैसे वे एयरपोर्ट पर पहुँचे, द पोएटस वॉज अबाउट टू लीव फॉर एरोप्लेन. पोएटस जो है एरोप्लेन में जाने के लिए तैयार होती है. शी अगेन ग्लांस्ड एट हर मदर वन मोर टाइम. शी ग्लांस तिरछी नज़र से या एक सरसरी निगाह से फिर वो अपनी मदर को देखती हैं, और उनके चेहरे पर फिर से वही दर्द आ जाता है अपनी मदर को लेकर. बिकॉज हर मदर appeared weak and pale just like the moon in the winter season. क्योंकि यहाँ पर जो है कमला दास की मदर जो है वो निस्तेज दिखाई दे रही हैं, cheerless दिखाई दे रही हैं. Because she is growing old and she compares to her like a winter, the moon of winter season. सर्दी में जो चांद होता है वो हल्का पीला होता है और निस्तेज सा दिख पड़ता है. सो द राइटर कंपेयर्स हर मदर एज अ विंटर्स मून. जस्ट शी वॉज रिमाइंडेड ऑफ हर चाइल्डहुड व्हेन शी यूज टू फियर लूजिंग हर मदर. एज अ चाइल्ड शी कुड नॉट बियर टू बी सेपरेट फ्रॉम हर मदर इवन ए फ्यू मोमेंट्स. नाउ लॉस would be permanent as her mother was about to die and she would lose her forever. यहाँ पर क्या है, बचपन की यादें वो ताज़ा करती है कि एक बार बचपन में कभी भी वो अपनी मदर को खोने के डर से बहुत ही भयभीत हो जाया करती थी. यहाँ पर क्या हो रहा है, she is going to lose her mother permanently because she is growing old. यहाँ पर वह अपनी माता जी को permanently खोने जा रही है क्योंकि उनकी माताजी समय के साथ साथ बूढ़ी होती चली जा रही है. द पोएट डज नॉट एक्सप्रेस हर फीलिंग. शी स्माइल्ड एंड सेड सी यू सून अम्मा बिकॉज शी वांटेड हर मदर शुड लिव एंड दे मीट वंस अगेन. यहाँ पर क्या है, द पोएट डिड नॉट शो हर एक्सप्रेशन. यहाँ पर पोएट अपना एक्सप्रेशन अपनी मदर को नहीं दिखाना चाह रही है. उसे देखकर वो स्माइल करती है और मदर को कहती है कि हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे, और वहाँ से डिपार्ट होती है. तो ये हियर इज़ द समरी ऑफ द पोयम. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टू रीड द पोयम. अभी मैंने आपको इसकी समरी बताई थी, एक बार फिर दो तीन चार लाइनों में मैं इसको दोबारा बोल रहा हूँ. कमला दास अपनी एजिंग मदर के साथ, बूढ़ी होती मदर के साथ कार में अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं.
तभी उनकी नज़र अपनी मदर पे पड़ती है तो वो बहुत ही ज़्यादा निस्तेज दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि कोई एक डेड बॉडी हो, उनका मुंह खुला हुआ था। फिर एयरपोर्ट पे चेकिंग के बाद पुनः उनकी नज़र अपनी मदर पर पड़ती है। वे अपने इमोशंस को काबू रखते हुए अपनी मदर को बाय कहती हैं और मदर चली जाती हैं और वो उड़ान भरती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, द पोएटेस सेज दैट ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी। हियर द पोएटेस इज गोइंग टू कोचिन एयरपोर्ट विद हर मदर हु इज बिसाइड हर। इट वॉज फ्राइडे मॉर्निंग। द पोएट सा हर मदर, पोएट अपनी मदर को देखती हैं जो उनके बिल्कुल बराबर में हैं। डोज टू स्लीप लाइटली, ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कर्व्स एंड रियलाइज विद पेन। द पोएटेस नोटिसेस, पोएटेस देखती है, हर माउथ वाज ओपन, उनकी मदर का जो माउथ है वो ओपन है, खुला हुआ है, और उनका जो फेस है वो एशन लाइक है, राख के जैसा पीला, गहरा पीला, निस्तेज के जैसा है। यहाँ पर मैं आई वुड लाइक टू टेल द पोएटिक डिवाइस। द पोएटेस यूज माई मदर, MM इलेक्ट्रिशियन यहाँ पर हुआ है इस जगह। दो M आए हैं और मैं की ध्वनि इनमें से निकल रही है, तो ये एक पोएटिक डिवाइस पोएट ने यूज़ किया है इसमें। और यहाँ पर द पोएट सेज दैट द फेस ऑफ हर मदर वाज एशन लाइक, राख के जैसा है। द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर इज सिमली। द पोएट कंपेयर्स हर मदर टू द कलर ऑफ एश, राख के रंग के जैसा, एंड फर्दर कैसा, लाइक दैट ऑफ कर्व्स, और मदर कैसी लग रही हैं, लाइक ऑफ ए कर्व्स, जैसा कि एक शव हो, शव के जैसा। तो सिमली इज यूज्ड, द पोएटिक डिवाइस सिमली इज यूज्ड हियर। द एंड रियलाइज्ड विद पेन, हियर द पोएटेस रियलाइज हरसेल्फ इन पेनफुल कंडीशन। यहाँ पर पोएट जो है उसे अपनी मदर को देखकर बहुत कष्ट होता है, बिकॉज शी इज़ गोइंग ओल्ड, वो बूढ़ी हो रही हैं। दैट शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड, यहाँ क्या पोएटेस सेज दैट कि जैसी जितनी बूढ़ी वे हैं और उतनी ही बूढ़ी दिख भी रही हैं, अर्थात बुढ़ापे के जो लक्षण हैं वो स्पष्ट रूप से उनकी मदर के चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं। उनका मुंह खुला हुआ है और वो ऊँग रही हैं, और उनकी जो स्किन है, उनका जो फेस है वो बहुत निस्तेज और पेल पड़ चुका है। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट। द पोएट इमिजिएटली वांट टू गेट आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। यहाँ पर पोएट जो है तुरंत अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर सोचती है निकालना, बिकॉज शी इज़ वेरी सैड, वो बहुत दुखी है, तो तुरंत खिड़की के बाहर देखती है। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, छोटे छोटे ट्रीज स्प्रिंटिंग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। यू ऑल्सो रियलाइज दैट वैन वी आर ट्रेवलिंग इन ए कार एंड कार रनिंग विद ए ग्रेट स्पीड, वी
सी दैट ट्री इज रनिंग बिहाइंड। जब हम किसी कार में जाते हैं, आपने भी ये नोटिस लिया होगा कि जो ट्रीज़ होते हैं, पेड़ होते हैं, वो पीछे भागते हुए दिखते हुए हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे प्लांट्स, छोटे छोटे ट्रीज़ कार उनको पीछे छोड़ रही है और वो तेज़ी से पीछे की तरफ भाग रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट देयर होम्स। मैरी चिल्ड्रन बहुत प्रसन्न चित्त मुद्रा में, जो यंगस्टर हैं, जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वे घर से बाहर दौड़ रहे हैं, निकल रहे हैं, स्पिलिंग घर से बाहर जा रहे हैं। इट इज़ ए सिंबल ऑफ एनर्जी, उनके अंदर ऊर्जा है, जीवंतता है। तो यहाँ पर जो पोएटेस्ट है उन्हें देखकर अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करती है। आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग दैट द दिस पोएम इज फ्री वर्स। ये जो पोएम है ये एक फ्री वर्स है। नो राइम स्कीम हैज़ बीन यूज्ड हियर, कोई राइमिंग स्कीम यहाँ पर यूज़ नहीं की गई है। एंड नो स्टेंजा इज हियर, बट इट इज़ रिटन एज प्रोज। ये गद्य के जैसे फ्री वर्स है, इसमें कोई राइमिंग स्कीम का प्रयोग नहीं किया पोएट्स ने, और ये लगातार लिखी गई है। द लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल, सो यू कैन हैव इम्प्रेशन द रियलिटी ऑफ द एटमोसफियर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स, कुछ यार्ड्स के दूर खड़े होकर जब सिक्योरिटी का रूटीन चेकअप हो रहा था, जब हम कहीं जाते हैं तो एयरपोर्ट पर जब हम चेक इन करते हैं तो हमारा फ्रिस्किंग होता है, तलाशी होती है, और बहुत सारी सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं। तो ये जब हो रहे थे तो आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल। लेखिका ने, पोएटेस ने, कवित्री ने एक बार फिर बाहर की ओर अपनी मदर को देखा, जब तक कि सिक्योरिटी प्रोसेस चल रहा था, सामान की चेकिंग चल रही थी। शी वंस अगेन लुक्ड एट हर मदर, उन्होंने अपनी माता जी को फिर से देखा। एज लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट ओल्ड, ऐसा दिखाई दी लेट विंटर्स मून। यू ऑल्सो नोटिस दैट इन विंटर्स, लेट विंटर्स व्हेन वी सी द मून, इट्स कलर इज़ वेरी पेल, उसका रंग बहुत ही पीले रंग का निस्तेज से जैसा होता है। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस सिमली का इस्तेमाल किया गया है। जो पोएटेस है उसकी मदर का जो फेस है वो कंपेरिजन में लाया गया है, उसका कंपेयर किया गया है। जो विंटर मून है, सर्दी का जो चांद है, उससे उनको कंपेयर किया गया है। द फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, ये जो दर्द था लेखिका के मन में वो बचपन से था अपनी मदर के खोने का। नाउ शी इज़ गोइंग टू लॉस हर मदर परमानेंटली, अब वो अपनी मदर को परमानेंटली खोने के लिए जा रही थी। सो शी इज़ वेरी अनहैप्पी हियर, यहाँ वो बहुत ही नाखुश है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, इतना सब कुछ होते हुए भी उसने, जो कमला दास ने अपने आप को जज्ब किया, अर्थात अपने आप को कंपोज किया, अपने आप को संयत किया, और मदर को देखकर उन्होंने कहा सी यू सून अम्मा, मदर फिर हम दोबारा मिलेंगे। ऑल आई डिड विद स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये सब चीज़ें मैंने हंसते हुए इसलिए कहा कि मैं इस ब्लूम सिचुएशन से एकदम बाहर निकलना चाहती हूँ, इसलिए आशान्वित होकर मैंने अपनी मदर को बाय किया और मैं एयरपोर्ट की ओर चली गई और मदर अपने तरफ। आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू सम मोर थिंग्स, द पोएटेस, द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर एट 66, द पोएटेस नेम इज़ कमला दास, इंडियन राइटर हैं, मलयालम में लिखती थी पहले, इंग्लिश में माधव कोट्टी के नाम से उन्होंने लिखा। ये
फ्री वर्स है, उसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं इस्तेमाल किया। आई वुड लाइक सम क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम। वी फाइंड द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच हियर एज आई अर्लियर मेंशन, जैसा मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, ये इसमें लिए गए हैं। सिमली फेस एशियन लाइक ऑफ ए कॉर्प्स, सिमली का प्रयोग हुआ है, चेहरा ऐसा जैसे शव के जैसा। पर्सोनिफिकेशन ट्रीज स्प्रिंटिंग, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया, पेड़ भाग रहे हैं। रिपीटेशन हो रहा है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। फ्री वर्स है, नो राइमिंग स्कीम यूज्ड हियर। नाउ विद सम शॉर्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक, विच हु इज द पोएट ऑफ द पोएम माई मदर एट 66, यू आर वेरी फेमिलियर नाउ, कमला दास। विच डे मेंशन इन द पोएम, कौन सा दिन का उल्लेख इसमें हुआ है, इट वॉज फ्राइडे। वट इज द पेन नेम ऑफ कमला दास, माधवी कुट्टी। वट इज द थीम ऑफ द पोएम माई मदर एट 66, क्या थीम है, ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवीय संबंधों का बहुत अच्छा उदाहरण इन्होंने इसमें दिया है। एंड द पोएट यूज ह्यूमन द स्टडीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवीय संबंधों की बारीकियों को अपने साहित्य में कवित्री ने जगह दिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।